नमस्कार दोस्तों, PCS गुरु जी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कशन करेंगे। टॉपिक है कि पिछले कुछ दिनों से हमारे देश में जो स्टॉक एक्सचेंज बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, इसके पीछे रियल कारण क्या है। क्या सचमुच हमारे देश की इकोनॉमी जो है वो रिवाइव कर गई है, या कुछ ऐसा हो रहा है कि जिसमें कुछ लोग टाइम के लिए कुछ लोगों को बहुत प्रॉफिट होगा, बट जब ये बबल फटेगा तो बहुत सारे लोग बहुत नुकसान उठाएंगे। दोस्तों, सेंसेक्स जो होता है, चाहे NSE हो चाहे BSE हो, एक तरह से एक रेफरेंस होता है कि देश की इकोनॉमी किस तरह से बूम कर रही है। अब पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से सेंसेक्स दौड़ रहा है वो बिल्कुल भी मैच नहीं खाता जिस तरह से हमारे देश के आर्थिक आधार हैं, क्योंकि जितनी भी रिपोर्ट आ रही हैं, चाहे GDP की ग्रोथ रेट हो, चाहे अनएम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट आई हो, या जो भी WHO की, IMF की रिपोर्ट आई हो, या सरकार की अपनी रिपोर्ट आई हो, सब शो कर रही हैं कि कोरोना की वजह से और लॉकडाउन की वजह से बहुत नेगेटिव चीज़ें हुई हैं, क्योंकि सच भी है, एक्टिविटीज़ हो नहीं पाई, बिजनेस हो नहीं पाया, लोग घर के अंदर रहे, तो जो ग्रोथ थी वो उतनी नहीं होनी चाहिए जितनी कि हमें सेंसेक्स में दिखाई दे रही है। फिर ऐसा क्या कारण है कि सेंसेक्स जो है वो बिल्कुल कहते नहीं घोड़े में सवार होकर दौड़ा जा रहा है। तो दोस्तों, दो तीन बातें और समझ जरूरी हैं कि ये जो दौड़ है ये क्यों हैरान कर देती है। जैसे मैंने पहले कहा कि GDP की जो रिपोर्ट आई है, अगर हम बिल्कुल लेटेस्ट बात करते हैं तो जो फोर्थ क्वार्टर की रिपोर्ट आई है, जनवरी फरवरी मार्च की जो रिपोर्ट आई है, वो शो कर रही है कि हिंदुस्तान की जो ग्रोथ रेट है वो 3.1% रही है। अब 3.1% क्या ज़्यादा है या कम है, इसको इससे समझते हैं कि पिछले साल इसी फोर्थ क्वार्टर में जो ग्रोथ रेट थी वो 4.1 थी, जो कि ऑलरेडी कम थी, बट 3.1 उससे भी ज़्यादा कम है। कहा जाता है कि अगर 5% से कम अगर ग्रोथ रेट रहती है तो उसको रिवाइव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, उसको फिर से खींच के लेकर आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इम्पॉसिबल नहीं है, बट मेहनत ज़्यादा लगती है। अब चूंकि ग्रोथ रेट काफ़ी कम होती जा रही है, पिछले साल से कम से भी ज़्यादा कम होती जा रही है, जब अब ग्रोथ रेट कम हो रही है, GDP ग्रोथ रेट जो है कम दिखा रहा है, तो सेंसेक्स में इतना क्यों होपफुल है, क्यों सेंसेक्स क्यों दौड़ रहा है इसके अंदर, ठीक है? तो ये बड़ी हैरानी है। दूसरा जो बड़ा हैरान करता कारण वो है बैंक को लेकर। कहा जाता है कि जो बैंक होते हैं वो सेंसेक्स के तोते होते हैं, तोते की जान जो होती है, सेंसेक्स अगर तोता है, एक राक्षस है, तो उसकी जान जो है वो तोते के अंदर है, वो तोते है बैंक। तो बैंक जैसा परफॉर्म करेगा, हमारा स्टॉक एक्सचेंज वैसे ही परफॉर्म करता है, ठीक है? तो बैंकों की हालत कुछ सही नहीं है। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हुई नहीं है तो ट्रांजेक्शन कम हो गए, पहली चीज़। दूसरा क्या है, जिन्होंने लोन लिया वो डिफॉल्टर हो गए। अब इसमें डिफॉल्टर भी दो तरह के लोग हैं, एक तो वो हैं जो जानबूझ के डिफॉल्टर हो गए, जैसे कि नीरव मोदी हो गए या बाकी इस तरह के लोग हो गए, जिन्होंने घपले करने ही थे। दूसरा, वो लोग डिफॉल्टर हो गए जो लोग बिजनेस करना चाहते थे, उन्होंने बैंक से लोन लिया, बट चूंकि लॉकडाउन लग गया और एक्टिविटीज़ नहीं हो पाई तो अपना वो लोन टाइम पर वापस नहीं कर पाए। मोरेटोरियम दिया गया, बट वो 3 महीने के लिए दिया गया और 3 महीने के बाद भी हालात सही नहीं रहे, और उसके बाद उनको मजबूरी में आके वो डिफॉल्टर बनना पड़ा। अब डिफॉल्टर होने का मतलब क्या होता है, ठीक है, आदमी एक व्यक्ति ने बिजनेस प्लान डिफॉल्टर बन गया, वो अलग हो गया, लेकिन जब बैंक होता है उसको भी बहुत लॉस होता है, क्योंकि बैंक ने अपना पैसा दिया है और उसके एवज में उसे रिटर्न्स मिलना चाहिए था, वो तो मिला ही नहीं, साथ में जो पैसा दिया था वो चला गया, तो ये हो जाता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, NPA। कई बार एग्जाम में पूछा जाएगा NPA क्या होता है, तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट होता है जिसमें बैंक अपना पैसा किसी को लोन के रूप में देता है और वो वापस ना आए, वो ऐसा एसेट जो वापस नहीं आता, परफॉर्म नहीं करता, इसको कहते हैं NPA। बैंक का NPA लगातार बढ़ रहा है, यानी कि ऐसे लोन जो वापस नहीं आ रहे हैं बैंकों के बहुत बड़े। अब बैंकों की जो मेन कमाई होती है वो इसी पे होती है कि लोन देंगे और लोन से इंटरेस्ट कमाएंगे। अब जब इतना डिफॉल्टर बन गए तो बैंकों की हालत ख़राब हो गई है। अब बैंकों की एक्टिविटी अच्छी नहीं है, ठीक है, उधर GDP ग्रोथ रेट रिपोर्ट है वो बता रही है कि अच्छी नहीं है, तो ये सेंसेक्स क्यों आगे बढ़ रहा है, क्योंकि सेंसेक्स को तो वैसे ही परफॉर्म करना चाहिए था। तो ये चीज़ें जो हैं बड़ी हैरान कर देती हैं इसके अंदर। अब कोशिश करते हैं कि ऐसा क्या हो रहा है कि ये सेंसेक्स जो है वो इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। अब इसके पीछे भी 2-3 कारण हैं, इसको समझते हैं। देखिए, पहला कारण क्या है, पहला कारण ये है कि जो सेंसेक्स होता है असल में वो ठीक है, आपकी इकोनॉमी को वो दिखाता है कि आपकी इकोनॉमी कैसे परफॉर्म कर रही है, बट ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। आज जो लोग पैसा लगा रहे हैं शेयर मार्केट में, वो ये सोच के लगाते हैं कि हमें कल इसका रिटर्न मिलेगा, हम आज की बात नहीं करते, हमें कल रिटर्न मिलेगा, और ठीक है आज बुरा वक्त चल रहा है, लेकिन हो सकता है जो कल वक्त सही होगा
और जब कल सब चीज़ें सही हो जाएंगी तो अच्छा रिटर्न हमें मिल जाएगा। तो पैसा इस ये सोच के लगाया जा रहा है, क्योंकि वैक्सीनेशन बहुत ज़्यादा हो गया है, लोग वैक्सीनेट हो रहे हैं और दिसंबर तक पूरे के पूरे हिंदुस्तान के लोग वैक्सीनेट हो जाएंगे। तो उनको ये लगता है कि जब पूरे देश के लोग वैक्सीनेट हो जाएंगे तो ये मार्केट ओपन हो जाएगी, लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा और नॉर्मल चीज़ें हो जाएंगी, और जब नॉर्मल चीज़ें हो जाएंगी तो ये इंडियन इकोनॉमी है वो अपनी रफ्तार पर चलेगी। ये उनको लगता है कि ठीक है, वैक्सीनेशन के बाद इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पहले की तरह हो जाएगी, ऐसा सेंसेक्स में या शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने वाले लोगों को लगता है, इसीलिए वो आज रिस्क लेकर पैसा लगा रहे हैं। तो ठीक है, हो सकता है कि ये पेड ऑफ हो सकता है कि गैम्बल हो, लेकिन उनको ये फिलहाल लग रहा है कि आज हम भले रिस्क ले रहे हैं लेकिन कल इस चीज़ का हमें फ़ायदा मिलेगा। तीसरी चीज़ दोस्तों कि सेंसेक्स जो होता है असल में है क्या, देखिए सेंसेक्स क्या है, एक है निफ्टी 50 यानी कि 50 बड़ी कंपनियों का समूह, कि हिंदुस्तान की जो टॉप 50 कंपनियां होंगी वो कैसा परफॉर्म करेंगी, उसे उसमें आता है निफ्टी 50 और है एक सेंसेक्स यानी कि BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, वो क्या परफॉर्म करेंगे, वो 30 कंपनी का है, हिंदुस्तान की 30 बड़ी कंपनियां जो हैं वो कैसा परफॉर्म करेंगी, वो है BSE। तो 30 कंपनियां और 50 कंपनियां कैसा परफॉर्म करेंगी ये इस पर दिखाता है। अब हुआ क्या है कि कुछ कंपनियों से बहुत प्रॉफिट हुआ है, अब आप इसे लकी कह लें या कुछ कह लें, लेकिन कुछ लोगों को कुछ कंपनीज में बड़ा फायदा हुआ है। अब जब ऐसा उन बाकी लोगों ने देखा जो कि नए नए इन्वेस्टर बने हैं या जिनको अनुभव थोड़ा कम है, तो एक हर्ट इन्वेस्टमेंट के तर्ज में आके, हर्ट का मतलब होता है कि जोश में आकर कि उसको फ़ायदा हुआ तो हमें भी फ़ायदा होगा, इस तरह की एक साइकोलॉजी के तहत हर्ट इन्वेस्टमेंट हो गया, स्वयं इन्वेस्टमेंट जिसे कहते हैं, स्वयं इंटेलिजेंस, इसका मतलब है कि उसको फ़ायदा हुआ तो मुझे फ़ायदा होगा, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट के साथ वो लोग भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब तो बाकी लोग जिनको फ़ायदा हुआ है, भाई देख तो लो कि वो इन्वेस्ट जो फ़ायदा हुआ है वो तुक्के में हुआ है कि उसने सचमुच एक अपना एक फंडामेंटल क्लियर रखे हुए थे, लेकिन लोग चूंकि दूसरे आदमी को फ़ायदा हुआ है, और इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट चलता ही ऐसा ही है, ठीक है, कि जहाँ पर कुछ लोगों को फ़ायदा हुआ सब उधर ही दौड़ पड़े, कुछ ने कहा कि भाई बैंक में बड़ा फ़ायदा हो रहा है, सब ने बैंक पैसा लगा दिया, सब ने कहा कि भाई ये देखो वो टेक्नोलॉजी में बड़ा फ़ायदा हो रहा है, टेक्नोलॉजी में लग गए, बिना देखे बिना समझे कि क्या फ्यूचर हो सकता है। कुछ ऐसा ही हो रहा है कि कुछ लोगों को कुछ कंपनीज के अंदर प्रॉफिट हुआ, जिसका देखा देखी सारे लोग उसके पीछे पड़ गए इसके अंदर, ठीक है। तो अब ये जब चीज़ें हुई हैं तो लोगों ने इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया। अब ये जो चीज़ें होती हैं इसमें फंडामेंटल कम होता है और गैम्बल ज़्यादा होता है। अब अगर इन भविष्य में चीज़ें सही रहीं और ये उस देर तक टिके रहे तो उनको फ़ायदा होगा, अन्यथा इनको भी नुकसान हो जाएगा। अब जो इंडियन इकोनॉमी है वो उसको अभी अपनी रफ्तार पकड़ने में समय लगेगा, ऐसे एक्सपर्ट्स कहते हैं, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट हुई है यानी कि सिकुड़ी है, ग्रोथ रेट कम नहीं हुआ है। देखिए समझिए इस बात को, ग्रोथ रेट अलग चीज़ है। ग्रोथ रेट का मतलब क्या है कि मान लीजिए आपकी जो कमाई है वो 100 रुपये है, आज 100 रुपये है, अगले साल आपकी जो इनकम है वो 110 रुपये हो जाती है, 110, तो आपकी ग्रोथ रेट कितनी हो गई, 10% हो गया। लेकिन आपकी कमाई आज 100 रुपये है और कल 90 रुपये होता जाए तो आप कॉन्ट्रैक्ट किया है, वही हालत है GDP की भी। अब पहले समझते हैं GDP होता क्या है। देखिए GDP का मतलब क्या है कि हिंदुस्तान के बाउंड्री के अंदर, इस टेरिटरी के अंदर जितनी भी एक्टिविटी हो रही है, जितना भी लेन देन हो रहा है, जितना भी पैसा कमाया जा रहा है, वो GDP में आता है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि जितना भी एक्टिविटी हो रही है, कोई पंचर बनाने से लेकर हवाई जहाज बेचने तक जितना भी हो रहा है वो GDP में कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। तो अब इंडिया की ग्रोथ रेट छोड़िए, इंडिया की कमाई ही कम हो चुकी है लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से कमाई कम हो चुकी है। अब इस कमाई को अपने पुराने, पहले तो इंडिया को पुराने अपने स्तर पर आना पड़ेगा, उसके बाद जाके आगे देखना पड़ेगा। तो ये दोनों चैलेंजेस रहेंगे कि इंडिया कितनी जल्दी अपनी पुरानी कमाई अपनी पुराने लेवल पर आता है और उसके बाद आगे बढ़ता है। क्योंकि देखिए ग्रोथ रेट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर 5%, 6%, 7% से कम ग्रोथ रेट रहता है तो इससे इंडिया की जो गरीबी है उसे दूर करने में दिक्कत आएगी। किसी भी हालत में 7% से कम ग्रोथ रेट रहने पे आपको आपकी देश की जो गरीबी है उसको दूर करने में बहुत दिक्कतें आएंगी, क्योंकि पैसा आपके पास रहेगा नहीं और पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ रही है, ठीक है, पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट ज़्यादा है और आपकी जो कमाई करने का ग्रोथ रेट कम है, तो आप जो लोग पैदा होंगे उनको दिक्कतें ज़्यादा रहेंगी। आप 7% ग्रोथ रेट अचीव करना
अपने आप में टास्क रहेगा, बहुत मुश्किल टास्क रहेगा, क्योंकि देखना पड़ेगा कैसे कि इसको चीज़ आगे आती है।